दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फोन पे में खुद का ही खुद का बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कैसे करेंगे। अगर दोस्तों देखिए आपका पास दो बैंक अकाउंट है, आप दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के अंदर दो बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है, आप चाहते हैं कि दोस्तों एक बैंक अकाउंट से दूसरे वाली बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना, तो दोस्तों आपको पता नहीं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो चले दोस्तों यहाँ से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे गूगल पे फोन पे पेटीएम एप्लीकेशन थ्रू दोस्तों कुछ भी आपका मोबाइल पे प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट कर देना। अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है तो दोस्तों मैं 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चले दोस्तों शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं करूंगा क्या, दोस्तों अपना मोबाइल पे दोस्तों मैंने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन किया। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, लेफ्ट साइड में दोस्तों मैं प्रोफाइल ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों पूरा पास्ट में मेरा प्रोफाइल ऑप्शन एक देखने को मिलेगा। उसका नीचे दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट मेथड। ठीक है, यहां पे दोस्तों मैंने फोन पे एप्लीकेशन के अंदर 3-4-5 बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि दोस्तों एक बैंक अकाउंट से दूसरे वाले बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना, तो दोस्तों इसलिए आपको करना के मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहां पे मैं देख सकता हूं आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों मैंने 3-4 बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है। मैं दोस्तों दूसरे वाले बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करके मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, मतलब कि दोस्तों खुद का ही खुद का बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपको करना क्या, फोन पे एप्लीकेशन का होम ऑप्शन पे आपको चले जाना। ठीक है, यहां पे दोस्तों आपको चारों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों 2 मोबाइल नंबर, आप दोस्तों किसी का भी आप मोबाइल नंबर डाल के आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो इस वाले ऑप्शन को आप यूज करके। और उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर नहीं तो दोस्तों आप यूपीआई के अंदर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों आपको थर्ड नंबर ऑप्शन पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि दोस्तों 2 सेल्फ अकाउंट। ठीक है, आज दोस्तों इस वीडियो में इसी ऑप्शन के बारे में हम बात करने वाले। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों पूरा लास्ट में ए ऑप्शन के बारे में तो दोस्तों सबको पता ही होगा, या फिर दोस्तों आप क्लिक करके खुद का बैंक बैलेंस आप चेक कर पाओगे। ठीक है, तो चले दोस्तों मैं 2 सेल्फ अकाउंट पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक करने दोस्तों मैंने फोन पे एप्लीकेशन के अंदर जितने भी मैंने दोस्तों बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है यहाँ पे दोस्तों शो हो रहा है। ठीक है, मतलब दोस्तों दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, यहाँ पे दोस्तों मान लो कि आपने 2 बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है। ठीक है, आपको दोस्तों सबसे पहले करना क्या, आपको दोस्तों जिस वाली बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आप रिसीव करना चाहते हैं उसको दोस्तों आपको सबसे पहले क्लिक करना है। ठीक है, मान लो कि दोस्तों मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर मैं पैसा रिसीव करना चाहता हूं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं क्लिक करूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको रिसीव करने वाला बैंक अकाउंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों आपको कितना पैसा आपको रिसीव करना है, मान लो कि दोस्तों फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं 1 रुपीस में रिसीव करना चाहता हूं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ऐड ए मैसेज पे दोस्तों आप कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये दोस्तों ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हो तो दोस्तों आप लिख सकते हो, नहीं तो दोस्तों वैसा आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं हेलो लिखूंगा। ठीक है, ये दोस्तों ऑप्शनल है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको करना कि या फिर दोस्तों आपको प्रोसीड टू पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसा ही दोस्तों आप प्रोसीड टू पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद दोस्तों इस वाली बैंक अकाउंट को आपको छोड़ के जितने भी दोस्तों आपका पास बैंक अकाउंट है वो दोस्तों यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है ना, इन बैंक अकाउंट से दोस्तों आपको पैसा कटवाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर दोस्तों आपको उसी वाले बैंक अकाउंट को आपको सिलेक्ट कर लेना जिस वाली बैंक अकाउंट से दोस्तों आप पैसा कटवाना चाहते हैं। मान लो कि दोस्तों मेरा जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है इस वाली बैंक अकाउंट के अंदर मेरा पैसा है, तो दोस्तों मैं इस वाली बैंक अकाउंट से मैं कटवा के दोस्तों इस वाली बैंक अकाउंट के अंदर मैं पैसा भेजना चाहता हूं, तो दोस्तों यहां पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, मान लो कि दोस्तों मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा इस वाली बैंक अकाउंट के अंदर पैसा है, तो दोस्तों इस वाली बैंक अकाउंट से मैं पैसा पे कर सकता हूं इस वाली बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना। तो फिलहाल दोस्तों मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस वाली बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों मेरा पैसा है, तो दोस्तों यहां पे मैंने क्लिक किया। और उसके बाद दोस्तों आपको करना है यहां पे दोस्तों आपको पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अपने फोन पे एप्लीकेशन के अंदर बैंक अकाउंट ऐड करते समय दोस्तों जो यूपीआई पिन आपने डाला था ना वो दोस्तों यूपीआई पिन आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चले दोस्तों आपका सामने मैं 4 डिजिट का यूपीआई पिन में डाल देता हूँ और ये लो दोस्तों मैंने यूपीआई पिन डाल दिया। ठीक है, आपको भी दोस्तों डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। ठीक है, तो वेट करेंगे आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो दोस्तों मैंने जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट से दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर 1 रुपीस ट्रांसफर करके मैं आपको दिखा दिया। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको करना कि यहाँ पे दोस्तों आपको डोन पे आपको क्लिक कर देना और यहाँ पे दोस्तों मैं स्ट्री पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मैं ट्रांसफर टू में क्लिक करूंगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कौन सा वाली बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दोस्तों कौन सा बैंक अकाउंट से पैसा कटा यहाँ पे दोस्तों दे सकते हो। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर मैंने दोस्तों पैसा कटवा कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर पैसा सेंड किया। ठीक है, दोस्तों आपको करना कुछ भी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको 2 सेल्फ अकाउंट पे आपको क्लिक करके आपको दोस्तों जिस वाली बैंक अकाउंट के अंदर पैसा रिसीव करना है उसको दोस्तों आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे दोस्तों आपको अमाउंट डाल के दोस्तों प्रोसीड टू आपको पे पे आपको क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों आपको बैंक अकाउंट से आपको पैसा कटवा देना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस वाली बैंक अकाउंट के अंदर पैसा रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इसी तरह फोन पे एप्लीकेशन के अंदर खुद का ही खुद का
बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए टू सेल्फ अकाउंट इस वाले ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों मेरे बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, कुछ भी आपको जानकारी मिला तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और भी दोस्तों इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, जैसा कि दोस्तों आपका मोबाइल पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एप्लीकेशन थ्रू दोस्तों कुछ भी आपका मोबाइल पे प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट कर देना। अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है तो दोस्तों मैं 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।